करते हैं स्टार्ट सूत्र फॉर्मूला चैप्टर 7 कक्षा 12। यहाँ पर हम जितने भी फॉर्मूले दे रहे हैं बहुत ही सिंपल भाषा में और सरल भाषा में दे रहे हैं, जिसको याद करना बहुत ही आसान होगा। और यहाँ हम फुल बेसिक कंसेप्ट भी दे रहे हैं, जिससे आपको क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो वीडियो में सबसे पहले देखिए समाकलन किसे कहते हैं। समाकलन जो होता है वो डिफरेंशियल का व्युत्क्रम होता है। देखिए जैसा कि ये जो बॉक्स में लिखा नीले रंग का, देखिए हम डिफरेंशियल का इंटीग्रेशन करते हैं तो फंक्शन आ जाता है, यानी कि डिफरेंशियल का इंटीग्रेशन करने से डी डी एक्स हट जाता है। इसी तरह से डिफरेंशियल करने से इंटीग्रेशन हट जाता है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन किया तो ये डिफरेंशियल इतना ये हट गया, ठीक है, तो वाई आ गया हट के। और जब डिफरेंशियल किया तो ये इंटीग्रेशन हट जाएगा, ये वाला, ये डिफरेंशियल करने से ये हट जाएगा। एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, ठीक है। तो अब जहाँ एफ डी एक्स समाकलन का प्रतीक है तथा डी एक्स यह दर्शाता है कि समाकलन एक्स के सापेक्ष किया गया। सी एक स्वेच्छा अचर है जिसे समाकलन अचर भी कहते हैं। तो समाकलन क्या हुआ? अवकलन का व्युत्क्रम। और कुछ इसके जो बेसिक फॉर्मूले वो हम देखेंगे यहाँ पे। बेसिक फॉर्मूले मतलब जो बिल्कुल डिफरेंशियल के उल्टे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ मैंने डिफरेंशियल दिखाया है और दूसरी तरफ दिखाया है इसका इंटीग्रल्स, ठीक है। जैसे अगर हम इसका डिफरेंशियल करें x की पावर n प्लस वन का, तो घात पहले आएगी और उसमें से एक कम होगी तो 16 का ये जाएगा, क्या सोलह के x की पावर n आएगा, ठीक। अब इसका उल्टा, यानी कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो ये वाला हो जाएगा, लेफ्ट वाला। देखिए x की पावर n का जो इंटीग्रेशन क्या हुआ, जो लेफ्ट में लिखा है, यानी x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, बिल्कुल व्युत्क्रम में। देखिए x का डिफरेंशियल कितना है, 1 है, और 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। बस क्या इंटीग्रेशन में c जोड़ना है, सी तब जोड़ना जब इनडेफिनिट इंटीग्रल हो, डेफिनेट इंटीग्रल में सी नहीं जोड़ता है। साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, कोस, तो कोस का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन। तो यहाँ पर देखिए जितने भी फॉर्मूले सब क्या है, व्युत्क्रम है, ठीक है। यानी कि अगर आपको डिफरेंशियल मालूम है तो उनके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो इन फंक्शन को हम बेसिक फंक्शन बोलते हैं, जो सीधे सीधे फॉर्मूले होते हैं। तो कुछ ये है, देखिए इन कुल मिला के 19 फॉर्मूले हैं ये, जो बेसिक फॉर्मूले हैं, यानी कि जो सीधे सीधे फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए कभी कभी क्या होता है, जो हमें फंक्शन दे रखा है वो सीधा सीधा नहीं होता, यानी बेसिक रूप में नहीं होता, तो हम क्या करते हैं त्रिकोणमिति की सहायता से अगर हम उसको थोड़ा सरल कर लें तो वो फंक्शन बेसिक फंक्शन में बदल जाता है। तो इसके लिए हमें कुछ सरसमिकाएँ हैं जिनका प्रयोग करना पड़ता है। तो वो कौन कौन सी सरसमिकाएँ, देखिए ये, तो इन सरसमिका की सहायता से अगर कोई फंक्शन बेसिक फंक्शन नहीं है, यानी कि उस रूप में नहीं है जिस रूप में हमने सूत्र याद कर रखे हैं, तो इन सूत्र की सहायता से उनमें बदला जा सकता है। अब देखिए समाकलन की विधियां, जब फलन मानक रूप में नहीं होता, यानी कि जो अभी आपको फॉर्मूले हमने दिखाए हैं अगर उस रूप में नहीं है, तो फलन का समाकलन करने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग करेंगे। कब करना है ये, जब फंक्शन मानक रूप में नहीं है, यानी कि सीधे सीधे फॉर्मूले यूज नहीं हो रहे हैं, तो इन विधियों का प्रयोग करेंगे। सबसे पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है परिमेय व्यंजक फलनों का आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन, यानी कि बटे में दे रखा हो तो उसका आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन करते हैं। खंडस समाकलन, खंडस समाकलन मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यह है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। और ये रेशनल, रेशनल फंक्शन हो तो उसको हम आंशिक भिन्न द्वारा करते हैं। चलिए हम तीनों विधियों को विस्तार से समझते हैं। तो इस क्रम में देखिए सबसे पहले ये प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान ये होती है कि जिसका हमें इंटीग्रेशन करना होता है उस फंक्शन में, किसी न किसी का डिफरेंशियल उसी में मौजूद होता है। जैसे देखिए e की पावर एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, e की पावर एक्स होता है। अगर जब किसी फलन का अवकलन उसी फलन में उपस्थित हो तो हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन किया जाता है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा e की पावर एक्स का डिफरेंशियल देखिए इसी में मौजूद है, तो इसे हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन द्वारा करेंगे। और प्रतिस्थापन का मतलब ये है कि जिसका डिफरेंशियल मौजूद हो उसे टी मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फिर हम डिफरेंशियल करते हैं, e की पावर एक्स का डिफरेंशियल e की पावर एक्स, टी का डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स, तो ई डी एस की जगह हम क्या रख दिया, डी टी। जैसे हमने येलो वाला जो है दिख रहा है आपको, जो येलो भाग है उसके स्थान पर लिख दिया डी टी। उसके बाद जैसे ही हम इसे प्रतिस्थापित करते हैं तो ये फंक्शन पुनः बेसिक फंक्शन में बदल जाता है, जैसा कि आपको ये दिख रहा है। देखिए बेसिक फंक्शन बदल गया, इसका फॉर्मूला हमने अभी आपको बताया था, साइन टी का माइनस कोस टी प्लस के सी। इसी प्रकार से देखिए ये है, ये देखिए बेसिक फंक्शन में क्या कमी है, 2x प्लस 3 है, जबकि हमने बेसिक फंक्शन में 2x प्लस 3 नहीं होता, केवल x होता है। तो 2x प्लस 3 को t माना, और जैसे ही हमने इसको कन्वर्ट किया तो ये जो कन्वर्ट होकर सिंपल फंक्शन में देखिए यहाँ पे बन चुका है। और सिंपल फंक्शन का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, sin t का माइनस cos t 2 ऐसी रहा प्लस के c।
यहीं पे एक दूसरा विधि और है इसमें, प्रतिस्थापन विधि में, अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशियल यानी किसी परिमेय फलन के अंश हर का सटीक अवकलन गुणांक हो, यानी कि हर का पूरा पूरा अवकलन अंश में रखा हो, तो हर का लघुगणक ही इस पूरे फंक्शन का समाकलन कहलाता है। देखिए एफ एक्स का जो डिफरेंशियल है देखिए ऊपर रखा हुआ है, तो क्या करेंगे हम इस डिफरेंशियल को भूल जाएंगे और वन अपोन एफ एक्स यानी वन अपोन एक्स मान के इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, और वन अपोन एक्स का होता है लॉग एक्स, और यहाँ पे एफ एक्स जो है वो लॉग का काम कर रहा है। इसी का दूसरा रूप ये भी है कि अगर किसी का डिफरेंशियल इंटू में मौजूद हो, कहाँ मौजूद हो उसका डिफरेंशियल इंटू में मौजूद, तब भी हम इस तरह से कर देते, जैसे कि जैसे देखिए साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल देखिए यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल है तो इसको भूल जाइए, यानी कि डिफरेंशियल को भूल जाओ और उसको एक्स मान के आप कर लो। तो साइन इनवर्स एक्स को एक्स माना तो इसका जो समाकलन होगा एक्स का एक्स स्क्वायर बटे दो प्लस के सी। एक ये भी है कि अगर किसी का डिफरेंशियल उसी में मौजूद हो, यानी प्लस हो उसमें, इसका डिफरेंशियल क्या हो उसमें जुड़ा हुआ हो, तो डिफरेंशियल को भूल जाइए, फिर ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स इसका समाकलन कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए इसका पूरा डिफरेंशियल देखिए ऊपर मौजूद है, तो क्या करना हमें इसका जो डिफरेंशियल मौजूद है इसको भूल जाइए, केवल इसको वन अपॉन साइन स्क्वायर को देखिए, वन अपॉन साइन स्क्वायर को क्या मान लेना एक्स मान लेना वन में, और वन अपॉन एक्स का क्या होगा लो एक्स। ऐसे देखिए टेन एक्स का पूरा डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है, तो जिसका जो डिफरेंशियल है उसे भूल जाइए और इसे मन में एक्स मान लीजिए, तो वन अपॉन एक्स का लो एक्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं दूसरी विधि, दूसरी विधि है परिमेय बीजीय व्यंजक का आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। जब कोई व्यंजक परिमेय रूप में यानी बटे के रूप में दे रखा हो और अंश उसका हर से छोटा, ठीक है, अगर अंश हर से छोटा नहीं है तो हम भाग देकर पहले अंश को हर से छोटा कर लेते हैं, फिर उसे समाकलन करने की यानी आंशिक भिन्न द्वारा उसका समाकलन किया जाता है। इसकी चार विधि होती हैं। पहली विधि यह है कि जब हर में क्या हो सारे व्यंजक अलग हो, यानी एक घातीय व्यंजक हो और किसी की पुनरावृत्ति ना हो, तो कैसे करेंगे इसको, ए अपॉन पहला, ठीक है, फिर बी अपॉन दूसरा प्लस के सी अपॉन तीसरा, इस तरह और है तो डी अपॉन चौथा, इस तरह से करके हम ए बी सी के मान यहाँ पर निकाल कर रख देते हैं, तो फिर इसका समाकलन हम जो है आंशिक भिन्न की फर्स्ट प्रकार विधि से करते हैं। इसी में दूसरी विधि यह है, इसको मैं थोड़ा सा ठीक लिख देता हूँ, ये दूसरे टाइप की जो आंशिक भिन्न होती है उसमें क्या होता है, हर जो होता है एक रेखीय रूप होता है और उसमें किसी एक की पुनरावृत्ति हो रही होती है, और जिसकी पुनरावृत्ति हो रही होती है उसको हम देखिए क्या लिखते हैं, दो बार लिखते हैं, सी अपॉन सी एक्स माइनस वन और डी अपॉन एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद ए बी सी डी के मान निकाल लेते हैं। तीसरे प्रकार का जो आंशिक भिन्न होती है वो उसका जो हर होता है उसमें एक द्विघात होती है, लेकिन उसके गुणनखंड नहीं होने चाहिए, ना ही उसकी पुनरावृत्ति होनी चाहिए, तो जो पहला वाला उसको तो सीधा सीधा लिख लेते हैं ए अपॉन एक्स प्लस वन, और जो द्विघात वाला होता है उसमें लिखते हैं बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू। इसी में चौथे प्रकार की जो आंशिक भिन्न है उसमें द्विघात वाले पद का घात होती है कुछ, वो दो घात भी हो सकती है, तीन घात भी हो सकती है, और साथ में इसमें जो द्विघात वाला पद है उसे गुणनखंड नहीं होने चाहिए, ये इसकी शर्त है। कैसे लिखते हैं इसको, ए अपॉन पहला बी एक्स प्लस सी अपॉन दूसरा, जो स्क्वायर हो रहा है उसको दो बार लिखेंगे, और कांस्टेंट कभी भी रिपीट नहीं होते हैं, डी एक्स प्लस ई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर। अब देखते हैं नेक्स्ट, उसके बाद देखिए यदि ये दो फंक्शन हमें मल्टीप्लाई में दे रखे हों, यानी कि गुणा में दे रखे हों दो फंक्शन, तो उनका जो इंटीग्रेशन है हम बाई पार्ट्स करते हैं, ठीक है, यानी खंड समाकलन करते हैं। जैसे कि डिफरेंशियल जब दो फंक्शन गुणा में दे रखे हों तो उसका कोई रूल नहीं होता, हम किसी का भी डिफरेंशियल कर देते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन का नियम होता है, क्या होता है, पहला फंक्शन तो ऐसे छोड़ते हैं, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, ये सूत्र बोला, फर्स्ट का डिफरेंशियल और सेकेंड का इंटीग्रेशन। अब इसमें जो फर्स्ट है देखिए इस आइलेट वर्ड में जो पहला वर्ड होगा अक्षर होगा उसे हम फर्स्ट मानते हैं, आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे और इनवर्स फंक्शन होते हैं साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, एल का मतलब है लॉगरिथमिक फंक्शन यानी लॉग एक्स साइन एक्स लॉग ई की पावर एक्स, और ए का मतलब एलजेब्रिक फंक्शन, टी का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये मैंने सामने दे भी रखे हैं किस टाइप के फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखिए मैं एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, जैसे हमें मान लीजिए हमें करना ई की पावर एक्स और एक्स का करना, तो इसमें फर्स्ट किसे मानना सेकेंड किसे मानना ये ध्यान देने वाली बात है, तो ई जो आ रहा है देखिए वो एक्सपेंशन में आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये बाद में है आइलेट वर्ड में तो इसे सेकंड मानेंगे, और एक्स जो आ रहा है वो किस में आ रहा है एलजेब्रा में आ रहा है, ठीक है, ये पहले आ रहा है तो इसको फर्स्ट मानेंगे, तब इसके हिसाब से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, फर्स्ट ऐसे रहेगा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशियल सेकंड का इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन, ये इसका फॉर्मूला है।
अब यहाँ पर देखिए चार महत्वपूर्ण सूत्र हैं, यानी कि अगर फंक्शन बेसिक फंक्शन में नहीं है तो ये चार सूत्र हैं, इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, वह काफ़ी इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। एक तो टेन एक्स का, कोट एक्स का, कोसेक एक्स का, सेक एक्स का, तो उनमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने ये चारों सूत्र एक ही जगह लिख दी हैं जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ठीक, यहीं पर कुछ और नौ सूत्र और हैं ये, जो कि मिलते जुलते सूत्र हैं, विशिष्ट फलनों के समाकलन। तो ये वो सीधे सीधे फॉर्मूले नहीं है, यानी कि जैसे डिफरेंशियल के उल्टे नहीं है, तो इन फॉर्मूलों को आपको बड़ा फोकस होगा, इनको याद करना है बड़े आसानी से, मैंने एक जगह लिख दी है जिससे आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। वहीं पे आप देखिए नेक्स्ट है कुछ विशेष प्रकार के फलनों का समाकलन, यानी ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कुछ जो विशेष प्रकार के फलन है उनका समाकलन कैसे करते हैं। अगर बटे में क्या हो, एक द्विघात हो इस टाइप का, तो उसका समाकलन कैसे करते हैं, तो इसे अब हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का रूल होता है एक्स स्क्वायर गुणांक एक होना चाहिए और एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग इसमें हम जोड़ देते हैं और घटा देते हैं, और एक्स स्क्वायर गुणांक एक करने के लिए पहले एक कॉमन लेते हैं, उसके बाद एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, फिर इसकी परफेक्ट स्क्वायर हो जाती है। फिर यहाँ पर देखिए दो वर्गों के अंतर का सूत्र लग जाता है, और फिर इसमें जो है हम आराम से इसके आंशिक भिन्न द्वारा, इसके फर्स्ट आंशिक भिन्न द्वारा इसका समाकलन कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दूसरे प्रकार का ये है कि जो अभी हमने दिया है उस पर अंडर रूट लग जाए। तरीका वही है कि हमें क्या करनी है, इसके नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाना। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद दो वर्ग के अंतर का सूत्र बनता है, एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं, फिर इनमें से कोई सा एक फॉर्मूले का प्रयोग कर देंगे। जोड़ घट चाहे मत घट, अगर याला है तो जोड़ घटा तो सकते नहीं, तो सीधा फॉर्मूला होता है, और इसका भी क्या है, सीधा फॉर्मूला है, तो इनमें से हम तीनों में से कोई सा भी फॉर्मूले का प्रयोग कर देते हैं। अब देखिए तीसरे टाइप का है बी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स वाई प्लस बी एक्स प्लस सी के टाइप का समाकलन। इसमें क्या होता है, जो अंश है इसका, इसको हमें ब्रेक करना होता है। इसको ब्रेक करने का तरीका ये होता है, अंश को ए इंटू नीचे वाले का डिफरेंशियल लिख देते हैं प्लस के बी, और ए बी की तुलना करके हम मान निकाल देते हैं। इसमें जो पहला वाला है वो तो सीधा अंश का हर में, हर का अंश में अवकलन होता है, तो लोग का फॉर्मूला लगा देते हैं। दूसरे वाले का हम पहले वाली विधि से, ये फर्स्ट टाइप हमने अभी बताया था, उससे हम इसका समाकलन कर देते हैं। अब देखिए चार नंबर का क्या है, अगर इस टाइप का यानी अंडर रूट लग जाए नीचे, तो बिल्कुल वही तरीका, पहले हम क्या करेंगे, इसको पी एक्स प्लस क्यू को उसी रूल से जो अभी हमने बताया था, क्या ए इंटू नीचे वाले का डिफरेंशियल प्लस के बी, ठीक है, और उसके बाद जो फॉर्मूले अभी बताए थे उनमें से किसी भी फॉर्मूले का प्रयोग हो सकता है। इसके बाद देखिए पाँचवा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो इसको करने का तरीका ये है कि एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर नीचे से कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेने के बाद क्या करना, या कॉमन ले लो या भाग दे दो, बात एक ही होती है, अंश और हर को भाग दे दीजिए, या अंश और हर में से कॉमन ले लीजिए, तो इतने आता है, तो हर इतने के पदों में परिवर्तित करते हैं और इस एक्स माइनस वन अपन एक्स को टी मानकर समाकलन करते हैं, और अगर अंश में इतना आता है तो हर को एक्स प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर के पदों में व्यक्त करते हैं और इतने को टी मानकर समाकलन कर लेते हैं। छठा देखिए इस टाइप का है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसमें क्या करना, कोस स्क्वायर कॉमन लिया जाता है, चाहे कॉमन हो या ना हो, दोनों में, चाहे साइन वाला हो चाहे कोस वाला हो, उसके बाद ऊपर बना लेते हैं सेक स्क्वायर, नीचे बना लेते हैं टेन, और टेन को टी मान के आराम से एक इस टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं। सातवां टाइप देखिए ये है, अगर इस टाइप का होता है तो अगर फर्स्ट और सेकेंड जैसा कि आपको दिख रहे हैं ये वाला आए या इस तरह का आए, तो यहाँ पर साइन कोस की जगह इनमें से दोनों में से कोई सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन वाले में ये वाला फॉर्मूला और कोस वाले में ये वाला, उसके बाद नीचे बन जाएगा टेन और ऊपर बन जाएगा सेक स्क्वायर। अगर ये आता है तो क्या करते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर से गुणा भाग, अंदर ही अंदर ए के साथ, ए में इतने से गुणा भाग और बी में भी इतने से गुणा भाग, उसके बाद ये बड़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। अब यहीं पर देखते हैं निश्चित समाकलन डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखिए निश्चित समाकलन में पूरे समाकलन का निचोड़ होता है, इसमें सारे फॉर्मूले वही हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के, बस इसमें छह प्रॉपर्टी और बढ़ जाती हैं, तो उनका प्रयोग हम इसमें करते हैं। तो निश्चित समाकलन इतने के रूप में लिखा जाता है, यानी कि इसमें लिमिट दी होती है लोअर और अपर लिमिट, इसका हल एक निश्चित संख्या होती है, ये बात ध्यान देने वाली है, इसका हल क्या होती है, एक निश्चित संख्या होती है, जहाँ ए समाकलन की निम्न सीमा होती है, बी समाकलन की उच्च सीमा को प्रदर्शित करता है, अंतराल ए बी को समाकलन का परिसर कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो समाकलन होता है उसका एक निश्चित मान निकल के आता है, ठीक है ना, समाकलन क्या होता है, एक निश्चित वैल्यू निकल के आती है, यानी कि इसमें कांस्टेंट नहीं जुड़ता है। और जैसे मान लीजिए एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स है, तो पहले अपर लिमिट लिखते हैं, माइनस करके फिर लोअर लिमिट लिखते हैं, तो पहले क्या लिखनी है, उच्च सीमा लिखनी है, माइनस निम्न सीमा, कहाँ लिखनी है उच्च सीमा, एक्स के स्थान पर,
ठीक है। अब इसमें जो प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं। इसमें छह प्रगुण है जो महत्वपूर्ण है, इनको आप ध्यान लीजिए। पहला प्रगुण क्या है कि अगर ए से बी में फंक्शन हो, एफ एस डी एक्स हो, तो उसे हम टी में भी लिख सकते हैं। दूसरा है अगर लोअर को अपर, अपर को लोअर लिमिट लिमिट कर दो तो माइनस का अंतर आ जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी है कि किसी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन फंक्शन को ब्रेक कर सकते हैं। शर्त यह है कि ब्रेक करने वाला जो है वो ए और बी के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए चौथी प्रॉपर्टी है, ए से बी फंक्शन एफ एक्स हो तो लोअर और अपर लिमिट को जोड़ के उसमें से एक्स को माइनस कर देते हैं। ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूज होती है, प्रगुण चार वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। प्रगुण पाँच है कि माइनस ए से प्लस हो तो दो बाहर लिख लेते हैं, लेकिन शर्त यह है कि सम फंक्शन होना चाहिए, अर्थात माइनस करें एक्स के स्थान पर तो वो गायब हो जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा इसकी जगह हम डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं अगर फंक्शन कैसा हो, ओड फंक्शन, यानी माइनस करने पर माइनस चिन्ह बाहर आ जाता है, एक्स के स्थान पर माइनस करने पर माइनस चिन्ह बाहर आ जाता है। छठी और लास्ट प्रॉपर्टी है अगर जीरो से टू ए हो तो टू बाहर आ जाता है, तो यहाँ से ये हटा देंगे, ये यहाँ से इसको मैं लिख गायब कर देता हूँ यहाँ से, देखिए ये मैंने रिमूव कर दिया है। तो आप टू बाहर आता है तो कब आता है, जब अपर लिमिट में से एक्स घटाओ और घटाने के बाद वो फंक्शन ही आ जाए दोबारा, और अगर माइनस चिन्ह का अंतर आता तो हम डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं। तो ये छह प्रगुण हैं। तो इसी के साथ हमने जो है निश्चित इसके समाकलन के सभी सूत्र और निश्चित समाकलन के सभी सूत्र आपको दे दिए हैं। तो इसके बाद हम हाजिर होते हैं निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग के सभी सूत्रों के साथ।